इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। देखिए, अगर आप पिछले 6-7 साल को देखें तो हर इंडस्ट्री में उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। पावर देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, पोर्ट्स देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। आज तक एग्रीकल्चर में, खेती में मोनोपोली नहीं थी। आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था। कैसे? एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था। उसमें मंडियां शामिल थीं, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शामिल था, उसमें लीगल सिस्टम शामिल था। ये तीन कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री, हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं, और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं, और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। और हम सबको पूरा का पूरा उनको समर्थन देना है। ये हिंदुस्तान की रियलिटी है। अब आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जरूर पूछिए। वील टेक क्वेश्चन। देखिए, एक बात है, एक बात है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मैं किसान भाइयों के लिए कर रहा हूं, तो ब्रॉडली मैं आपके जवाब दूंगा, मगर डिस्ट्रैक्ट करने की आप कोशिश मत कीजिए। देर इज नो डेडलॉक, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। देर इज नो डेडलॉक। द गवर्नमेंट बिलीव्स दैट दे कैन टायर आउट द फार्मर्स। द गवर्नमेंट इन इट्स एरोगेंस बिलीव्स दैट किसानों को थकाया जा सकता है, किसानों का बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसानों को ना थकाया जा सकता है, ना उनका बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है, प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान को है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दैट इज द रियलिटी। सोल्यूशन एक ही आएगा, ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। वी आर एग्जर्टिंग मोर प्रेशर, वी आर ऑलरेडी एग्जर्टिंग प्रेशर। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज अ मीन्स ऑफ एग्जर्टिंग प्रेशर, बट मोर देन एग्जर्टिंग प्रेशर, आई थिंक द थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट दिस इज नॉट अबाउट फार्मर्स, दिस इज अबाउट द क्रिएशन ऑफ मैसिव मोनोपोलीज इन दिस कंट्री दैट आर गोइंग टू टेक अवे वेल्थ फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। दिस इज द क्रक्स ऑफ इट। प्लीज टेल मी one industry in India today, just name it for me, which is not monopolized by the same 5-6 people. That is the real crux of the issue. The farmers are, this is the first step, but you will see after the farmers, India will not be able to produce jobs. Why is it that the Indian economy has gone from the worst, from the best performance to the worst performance? देखिए, जो उनके दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं। सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए, बात करिए हमसे। 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो उसको सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं, और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था,
वहां पे कांग्रेस खड़ी थी। जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे? मुझे तो नहीं दिखे। और ये मैं आपको एक और बात बता देता हूं, देखिए मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हां गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा धर्म है। मैं उनसे भी ज्यादा फनेटिक हूं, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए ये देश लड़ा था 70-80 साल पहले वो फिर से हो रहा है। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना, मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, मैं तो गुलाम नहीं हूं ना। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं? ये कौन है, ये क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं, किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब एक दो लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी हमारा किसान, कोई भी ऐसा कानून नहीं है। देखिए ये एक प्रोसेस है, ये जो तीन कानून है ये प्रोसेस के एक भाग है। प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस भट्टा परसोल, प्रोसेस लैंड एक्विजिशन, प्रोसेस कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं बोनस नहीं दूंगा, एमएसपी में सही पैसा नहीं देना। आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार किसान कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ी नहीं पाएगा। तो ये जो तीन कानून है ये एक प्रोसेस है, ये यहां नहीं रुकने वाले। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहते हैं। और ये जो पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम है ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं, ये रियलिटी है। और हमारा काम हिंदुस्तान का जो किसान है उसका प्रोटेक्शन करना है। तो इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में ये तीन कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की पोजीशन है, किसानों की पोजीशन है, मगर आप यह मत सोचिए कि अगर ये तीन कानून रद्द हो गए नरेंद्र मोदी वहां रुकेंगे, वो नहीं रुकने वाले। वो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को 3-4 लोगों के हाथ में करना ही चाहते हैं और हमें उनको रोकना है। लुक द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स बट आई हैव एन ऑब्जर्वेशन, दिस वॉज टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, दिस वॉज नॉट प्रोवाइडेड टू एनीबडी एल्स, देयर वर 4 or 5 पीपल हु न्यू दिस इन्फॉर्मेशन, Prime Minister of India, possibly the Defense Minister of India, the Home Minister of India, the Air Force Chief. These would be the 5 people who would know this. This is a criminal act. Giving official secret information to a journalist is a criminal act, both on the part of the person who accepted it and on the part of the person who gave it. These people call themselves patriots, right? There's nothing patriotic about putting our Air Force at risk. There's nothing patriotic about taking political advantage so that our aircraft gets shot down, so that the Pakistanis know that our Air Force is coming, right? If Mr. Arnab Goswami knows, if it is on his WhatsApp, I assume the Pakistanis also know it. It's not a very big jump, right? So it is a criminal action, and that investigation should begin. I want to know whether it was the Prime Minister of India who told Arnab Goswami, or it was the Defense Minister, or it was the Home Minister, or NSA. I want to know which one of those people told this man. And this is a criminal action, so that
you know, it should be looked into. Also, the distressing thing, I haven't gone into the details of it, but the distressing thing to me was somebody saying, this is going to be very good for us when our CRPF boys are killed. Right? That is an anti-national act. And I don't like that language. हम किसान की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करते हैं, ये हम बात एक्सेप्ट करते हैं कि ये किसानों का आंदोलन है और हम उनका जो उनकी जो स्पेस है, उनकी जो जगह है, उसकी इज्जत करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, ये रियलिटी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों को मदद करने का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं यहां आया हूं, मैंने कल भी बोला, तो हम मदद कर रहे हैं, हम प्रेस के थ्रू मदद कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट्स के थ्रू मदद कर रहे हैं, मगर हम उनका आदर भी करते हैं। देखिए, मैंने कोरोना के समय कहा था फरवरी में कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। आप में से लोगों ने मजाक उड़ाया, ठीक है, आप में से लोगों ने कहा कि देखो राहुल गांधी क्या बोल रहा है, शब्द था फियर मॉन्गरिंग। मैं आपको आज बता रहा हूं और आप अपने नोटपैड में ये लिख दीजिए, चाइना हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और समझ रहा है, और चाइना के पास एक साफ क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन है, वो दुनिया को शेप करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। हिंदुस्तान कभी यह करता है, कभी वो करता है, स्ट्रेटेजिकली काम नहीं कर रहा है। चाइना ने हिंदुस्तान को दो बार टेस्ट किया है, एक बार ढोकलाम में टेस्ट किया है और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया है। वो टेस्ट कर रहा है, वो ऐसे देख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, अगर हिंदुस्तान ने क्लियर अपने दिमाग में स्ट्रेटजी नहीं बनाई, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रेटजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा, चाइना इसका फायदा उठाएगा, और जब फायदा उठाएगा तब नुकसान हो जाएगा, तब आप उसको रोक नहीं पाओगे। इसीलिए मैं रिपीट करता जा रहा हूं, मैं रेड फ्लैग रेस कर रहा हूं सरकार के लिए, आपके जमीन के अंदर आ गए हैं, आपको लगता है कि ये इसको आप तू तू मैं करके परे कर सकते हो, आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो, आप गलत फहमी में हो। चाइना दूसरी चीज है, चाइना डोमिनेट करना चाहता है और वो सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। आपके शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप मेरे बारे में कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका काम हिंदुस्तान की रक्षा करने का है, आप नहीं कर रहे हो, और उसका नतीजा हिंदुस्तान को देखने को मिलेगा, रियलिटी से नहीं हट सकते हैं। इसीलिए मैं वार्निंग दे रहा हूं कि देखिए, मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, मेरा काम है, देखिए कोरोना आ रहा है, इकोनॉमिक डैमेज होगा, लोग मरेंगे, तैयारी कर लीजिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी बकवास कर रहे हैं, आपने देख लिया इकोनॉमी उड़ गई, रोजगार खत्म हो गया, मजदूर मर गए, क्यों? क्योंकि वो बस बातचीत करते रहते हैं, उनके माइंड में एक्चुअल वो एक्शन नहीं करना चाहते। और दुनिया डेंजरस रास्ते से निकल रही है, ट्रांजिशन पीरियड है, बदलाव का पीरियड है, और जो हमारी नेशनल लीडरशिप है उसको सीरियसली लेना चाहिए। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि फार्म लॉ एक इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। पहले लैंड एक्विजिशन, भट्टा पर सोल, प्रोसेस। चाइना एक इवेंट नहीं है, चाइना एक प्रोसेस है। और मैं स्टडी करता हूं,
मैं सोच समझ के बोलता हूं, मैं आपको बता रहा हूं बहुत डेंजरस सिचुएशन बन रही है। देखिए जो विपक्ष लड़ता है वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ लड़ता है। विपक्ष को फ्री एंड फेयर मीडिया की जरूरत होती है, विपक्ष को इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है, विपक्ष को जुडिशरी की जरूरत होती है, विपक्ष को पार्लियामेंट की जरूरत होती है। तो हर इंस्टीट्यूशन को इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है। कोर्ट्स को ये कंट्रोल करते हैं, मीडिया को ये कंट्रोल करते हैं, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं। तो जिस प्रकार से अंग्रेज हिंदुस्तान को चलाते थे कि देखो अगर ब्राउन चमड़ी है तो बोल नहीं सकते, वैसे ही हिंदुस्तान को चला रहे हैं। बोल नहीं सकते, बोलोगे तो मारेंगे। तो डर का माहौल है। आपने अभी बोला कि सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी लड़ रहे हैं, मगर डर का माहौल है। आप लोग जानते हो कि जो आपको रियलिटी दिख रही है आप नहीं कह पाते हो, आप मेरे पास आके कहते हो। तो ये हिंदुस्तान की रियलिटी है और इससे हम लड़ेंगे। नहीं, वो तो मैंने आपको समझाया कि हम किसानों की जो का आंदोलन है उसको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज द रीजन। देखिए आपका पहला सवाल क्या था, सॉरी? हाँ, और खालिस्तानी। देखिए गवर्नमेंट का अप्रोच है कि एटीट्यूड है कि हमें सब कुछ मालूम है और हमारे खिलाफ जो भी बोलता है वो एंटी नेशनल है, क्रिमिनल है, ये इनकी अप्रोच है। हम जो बोल रहे हैं, हमें प्रॉब्लम दिख रही है, कोरोना की हमें प्रॉब्लम दिखी, हमने बोला, गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती है। हमने चाइना की बात बोली, गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती है। बट हम वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं। गवर्नमेंट को यह समझ नहीं आ रही है कि मान लो इन्होंने इन किसानों को दबा भी लिया, मामला वहां नहीं रुकने वाला, एनर्जी कहीं और से निकलेगी, युवाओं से निकलेगी, अनएम्प्लॉयड यंगस्टर से निकलेगी। तो हम वार्निंग दे रहे हैं कि देखिए आपने हिंदुस्तान के किसानों पर आक्रमण किया है, ये आप मत कीजिए, आप इनकी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। तो ये रियलिटी, इनकी इनकी अप्रोच ही गलत है। ये सीखना नहीं चाहते हैं, ये सोचना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ बोलना चाहते हैं। इनको सिखाया गया है, आरएसएस के लोग उनको सिखाते हैं कि देखो ना तुम्हें सुनना है ना तुम्हें समझना है, तुम्हें बस बोलना है, और बोलने में ये टॉप ग्रेड है, बट सोचते नहीं है। और देश को चलाने के लिए बोलने से ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। आई बिलीव इन द स्पिरिट ऑफ दिस कंट्री, आई डू नॉट बिलीव दैट यू कैन इम्पोज स्लेवरी ऑन दिस कंट्री, आई डू नॉट बिलीव दिस कंट्री विल एक्सेप्ट 5 or 6 पीपल ओनिंग इट, आई डोंट बिलीव इट। So where will the resistance come from? It will come from the people of India. Our job is to highlight what is going on to the people of India. We are struggling. Why? Because the instrument of transmission is not controlled by us. Right? So the press is not controlled by us. We don't have the thousands of crores of rupees that Narendra Modi ji has. We cannot put thousands of crores of rupees in social media. We cannot. But this is an advantage for us. Because it makes us, forces us to be pure. It forces us to be honest. It forces us to tell the truth. This is good. I don't have a problem with it. I think, broadly, I will tell you, if you step back a little bit, what has happened is that the vision that India had for itself from 90s
has collapsed. What used to work in the 1990s does not work anymore. So India requires a new vision. It requires a new imagination. And this is all the turbulence that is taking place because India does not have a vision. And Congress Party's job and its skill is in providing that vision. So you will see that we will provide India with that vision. There are many, many, many millions of people in India who do not accept this nonsense that is going on in the country. And they understand that there is a massive failure taking place. We used to be a preeminent economy in the world. We are laughing stock. We are complete laughing stock. We cannot give our youngsters jobs. Our farmers are sitting outside in the cold. I don't know why Narendra Modi ji thinks this is something to be proud of. This is something to be ashamed of. The whole world is looking and saying, what is going on? Why are lakhs of farmers sitting outside Delhi? So he is destroying India's image, which the Congress has built. Slowly, 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 Mahatma Gandhi first. Slowly we've built it. Usko uda raha hai. Matlab, phad phud ke phek rahe hain. So that is the reality. Well, I remember the Prime Minister saying, is bar Trump Sarkar. I remember in Texas it was that, you know, he was holding his hand up and saying, is bar Trump Sarkar. Sorry, he's not. I'm not Trump. He's not Trump. I'm Joe Biden. Look, the point is whether he is Trump or Joe Biden. The point is whether he is Trump or Joe Biden, right? As a prime minister of a country, you don't do something like that. Because you're disrespecting the people of the United States by doing this. Because this is their choice, not your choice. So it is a lack of understanding of fundamentals. And you know, now of course, Trump lost. So, ko book karna hai? Wo journalist ko book karna hai? Ya usko unko book karna hai, jinhone information diya, ya dono ko book karna hai? दोनों को बुक करना पड़ेगा क्योंकि इंफॉर्मेशन दिया भी किसी ने है और लिया भी किसी ने है. देखिए, एक जर्नलिस्ट को डिफेंस का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बालाकोट से पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है. उसी जर्नलिस्ट ने पहले कहा पुलवामा के बाद कि यह हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है. रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंड सेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. जो इनकी माइंड सेट है वो उनकी माइंड सेट है. ये देखो, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे. आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन चार पांच लोगों के पास थी. ऐसे मिशन में पायलट के पास नहीं होती है. ऐसे मिशन में पायलट को लास्ट मिनट में मिलती है. एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए. इन पांच लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को यह इंफॉर्मेशन दी. यह क्रिमिनल एक्शन है. पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा और यह प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए. मगर यह प्रोसेस शुरू नहीं होगी. मैं बता दूंगा आपको क्यों. क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन दिया होगा. तो होगी नहीं, शायद बाद में हो. नहीं नहीं, मैं पांच लोगों के पास है. आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आप तो नहीं दे सकती थी. प्राइम मिनिस्टर न्यू, एयर चीफ न्यू, एनएसए न्यू, होम मिनिस्टर न्यू, डिफेंस मिनिस्टर न्यू, फाइव पीपल न्यू. विच वन इनमें पांच में से किसने दिया? तो दैट इज क्लियर कट, सीधी सी सीधी बात है.